हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। बॉलीवुड में क्लैश होना अब आम सी बात हो गई है। साल 2019 की शुरुआत भी बॉक्स ऑफिस पर क्लैश के साथ हुई। विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और अनुपम की द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं इस साल और भी काफी बड़ी फिल्मों के बीच भिड़ंत देखने को मिलने वाली है, लेकिन साल 2019 की सबसे बड़ी टक्कर होगी सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच। बता दें कि पिछले साल सलमान की रेस 3 और रणबीर की संजू के बीच शानदार टक्कर देखने को मिली थी। उस टाइम रणबीर कपूर ने सलमान को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी थी। वहीं इस साल क्रिसमस के मौके पर सलमान खान की दबंग 3 और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है। दोनों ही फिल्में बिग बजट फिल्म है। जहां एक तरफ सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा नजर आने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार दिखाई देंगे। बता दें कि पहले सलमान की किक 2 क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी तक उस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में किक 2 की रिलीज डेट पर सलमान की ही दूसरी फिल्म दबंग 3 को रिलीज किया जा रहा है। बता दें कि जब जब बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच टक्कर हुई है तो उनमें से एक फिल्म को नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्रिसमस पर सलमान और रणबीर में से बॉक्स ऑफिस पर किसको फायदा होता है। वैसे आप सलमान की दबंग 3 और रणबीर की ब्रह्मास्त्र में से किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।